Welcome back. We have with us Dr. Nasim Zaidi, who is the Chief Election Commissioner of India. We have seen a demonstration of the electronic voting machines, had a long discussion on what will be the challenge. Dr. Zaidi, yes. Electronic voting machines are not used in all democracies. Why are they not used? See, number one, electronic voting machines are being used by about a dozen countries. I won't take the names here, but they are being used in about a dozen countries. It is also true that electronic voting machines are not being used in many countries. It is also true that electronic voting machines have been discontinued in some countries. I'll ask you each one at a time now. So why are they not so popular? Are people don't have the expertise? I will explain. Let me begin with the Netherlands, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है. उसके बाद फिर आयरलैंड में वही मशीनें गईं, उसके बाद वही मशीनें जर्मनी में गईं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नैदरलैंड का मामला है, नैदरलैंड में वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी इन आवर कंट्री द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फॉलो ए वेरी सिक्योर्ड प्रोटोकॉल. एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है. दूसरा, नैदरलैंड में वहाँ पर जब मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था और वहाँ पर कुछ लोगों ने एम्स्टर्डम की काउंसिल से वो मशीनें ले करके उनके ऊपर उनमें चेंजेस करके, जैसा आपने अभी पूछा कि मदरबोर्ड बदल दें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उसका मदरबोर्ड अनऑथराइजली बदल दिया और उसके ऊपर चेस का गेम उन्होंने खेला. तो ये उनके यहाँ दूसरी बात हुई. जबकि हमारे यहाँ जो मशीनें हैं वो बिल्कुल इन सारी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स से बहुत सुरक्षित हैं. वहाँ पर जब इस प्रकार के डेमोंस्ट्रेशन किए गए कि मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है, वहाँ पर दो आयोगों का गठन किया गया द नैदरलैंड में, और उन्होंने वहाँ की इन मशीनों के बारे में कई कमियाँ पाईं. जैसा कि लिटरेचर में अवेलेबल है, उन्होंने पाया कि प्राइवेट सेक्टर निर्माण कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर का पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था. उनके यहाँ पर जो उनके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन क्वालिटी के मेथड्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे. उन्होंने ये भी पाया कि उनके कानून में एंड टू एंड टेक्निकल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी की कमी थी. उन्होंने ये भी पाया कि उनकी मशीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिकॉर्ड किया गया. तो इन सब के आधार पर उन्होंने कहा कि ये मशीनें सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया. सो दे रोल्ड बैक, दे रोल्ड बैक इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड रोल्ड बैक. दिस इज व्हाट हैपेंड इन द नीदरलैंड. इन द नीदरलैंड बिकॉज दे वर लैकिंग इन सर्टेन रिगार्ड्स विच वी हैव स्ट्रेंथन्ड इन आवर केस. दिस इज नंबर वन. एंड दे वर नॉट यूजिंग आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. नॉट एट ऑल. नंबर टू, द सेम मशीन्स विच वर बींग यूज इन द नैदरलैंड वर आल्सो एक्सपोर्टेड टू आयरलैंड. In Ireland also, when the issues, doubts, etc. arose, they also appointed commissions. And those commissions also found certain shortcomings in the entire process of technical security, administrative security, etc. And when the Netherlands case happened, they also withdrew. Now the third country, which is a very advanced country, what happened in Germany? People are very worried about that. Another linkage is that the same machines which were being used in the Netherlands were also being used in Germany. The matter reached up to the Supreme Court of Germany. वहाँ के Supreme Court ने इसको अपने constitution के प्रावधानों के प्रकाश में examine किया और उन्होंने ये पाया कि जो कानून वहाँ की मशीनों के लिए बना है जर्मनी में, वो कानून वहाँ के संविधान की धाराओं के विपरीत है. वो क्यों विपरीत है? क्योंकि उनके संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक वोटर को उस अपना एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस को देखने की पूरी छूट होनी चाहिए, जिसको उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी, जिसको आम भाषा में वीवीपैट बोलते हैं. तो उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी की कमी के कारण वहाँ का कानून, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई, बींग कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक नेचर ऑफ इलेक्शंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दे स्ट्रक डाउन द लॉ.
But they did leave a scope that if you can bring the verifiability, examinability, then it is for the government to decide. So it was a failure of the legal, and a legal loophole was found in Germany. Is that correct? Yes. On the contrary, in our country, as you would recall a few moments ago, I had mentioned to you that our Honorable Supreme Court said that if we use VVPAT along with electronic voting machines, then the trust and confidence, accuracy and transparency will increase. And now, again, I would mention, हमारा देश विश्व का पहला ऐसा देश होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ 100% पब्लिक एग्जामिनेबिलिटी, 100% पेपर ऑडिट ट्रेल और 100% एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी की प्रक्रिया को हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। ये तो बहुत फक्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बताइए, जो हमारा सिस्टम है, इसमें आपके पास कोई लीगल प्रावधान है? कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर पाए? 80 के दशक में ये विवाद उठा था, जिस समय तकनीकी का विकास हो रहा था, उस समय हमारे चुनाव आयोग ने इसको प्रारंभ करना चाहा, तो इसी आधार पर चैलेंज किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है। और इसी को आधार लेकर के 80 के दशक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे EVM के इंट्रोडक्शन को निरस्त कर दिया। बाद में इसके ऊपर एक कानून बना, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें कानून आया। और उस कानून के आने के बाद 1989 के बाद से तो ये एक कानूनी जामा इसको मिल गया और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फॉरेन मशीन्स की। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बाहर देश में बनती हैं, हम नहीं बनाते, तो ऐसे इसमें कोई दम है बात में? देखिए, ये तो बिल्कुल बेदम बात है कि हमारी मशीनें विदेशों में बनकर आ रही हैं। ये एक भ्रांति फैलाई गई है, अफवाह है ये, कि हमारी जो मशीनें इलेक्शंस में इस्तेमाल हो रही हैं ये विदेशों में बनी हुई हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं आपके माध्यम से पूरे ज़ोर के साथ इस बात का खंडन करता हूँ कि हमारी कोई मशीन बाहर नहीं बनती है, हमारी मशीनें हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे सब लोगों को मानना है कि चिप भारत में नहीं बनते, हम चिप जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगती है, जिसको आपने डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान देखा था, बोला गया था दिल है, वो बाहर से मंगाते हैं, तो जो दिल है उसमें कुछ खेल तो हो सकता है? नहीं, देखिए, ये चीज़ हम आपको पहले तो ये बताएं कि हम चिप क्यों मंगाते हैं। बात ये फैलाई जाती है कि चिपों को बाहर से मंगाया जाता है, जापान, अमेरिका से। इसका एक जो साइंटिफिक रीजंस हम लोगों को बताया गया है, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर आधारित चिप का बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव द फैक्ट्रीज विच मेक चिप्स। इनफैक्ट द वर्ल्ड ओवर चिप्स आर मेड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। एग्जैक्टली, सो वी इट इज़ अ फैक्ट दैट चिप्स आर इम्पोर्टेड। नंबर टू, नाउ आवर मैन्युफैक्चरर्स हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटीज that only raw chips are brought from outside and the actual fusion of the program or the software is carried out in situ in our factories. Therefore, what I would like to say is that chip are imported, but the program writing is carried out by our manufacturers under very secured conditions, number one. Number two, but can't somebody write the program in a way that one political party will win? Well, now this is another important point, जिसको लोग कहते हैं कि साहब manufacturer के level पर ही chip बदल दिया गया। इसके बारे में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि results को bias करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि candidates का sequence और candidates का बटन नंबर क्या हो, माने वो ballot paper पे sequence क्या होगा, जैसा अभी हमने आपको दिखाया था, ABCD जैसे दिखाया था, ये जानना हमारे मैन्युफैक्चरर को बहुत जरूरी है। माने जो इंजीनियर हमको दिखा रहे थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, कई साल पहले उनको पता होना चाहिए कि भिंड में कौन सा कैंडिडेट सातवें नंबर पे आएगा। एग्जैक्टली, हमारी मशीन, ये पॉसिबल है, उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको भी दूर करना बहुत जरूरी है। हमारी मशीनों का निर्माण 2006 जो M2 और उसके बाद की जनरेशन है प्रारंभ हुआ है। अब एक मशीन जो 2006 में बनी है और जिसका चिप में प्रोग्राम लिखा गया है,
मैन्युफैक्चरर को ये नहीं मालूम है कि ये मशीन बनने के बाद कौन से राज्य में, कौन से राज्य के कौन से ज़िले और विधानसभा में जा रही है, तो चूंकि उसको कैंडिडेट का सीक्वेंस ही नहीं मालूम है तो वो क्या प्रोग्राम उसके अंदर बदलेगा, ये संभावना बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये काम भ्रांति ये फैलाई जाती है कि साहब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही जो है वो ट्रोजन हॉर्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसके लिए भी मालूम होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस की प्रेस है। उसमें तो अब बहुत हमारे यहाँ तकनीकी एडवांसमेंट आ गया है, तमाम एनक्रिप्टेड कोडिंग प्रोसेस है और हर प्रेस करने को जो है वो टाइम लॉक किया जाता है, रियल टाइम क्लॉक है, बहुत सारी चीज़ों का सुधार हो गया है। नई मशीनें तो टेम्पर डिटेक्ट हैं, आप उसमें कोई चिप बदलोगे, प्रोग्राम बदलोगे, डिटेक्ट हो जाएगा। मशीनें सेल्फ डायग्नोस्टिक हैं, आप जैसे स्विच ऑन करोगे पूरी मशीन जो है उसका सिग्नेचर टेस्ट हो जाएगा कि ये वही मशीन है या इसका कोई कलपुर्जा बदला हुआ है। काफ़ी सुधार हो गए हैं मैन्युफैक्चरर के स्तर पर, किसी भी प्रकार की संभावना को हम टोटली नकारते हैं। तो चिप के ऊपर सॉफ्टवेयर लिखा गया, उसके बाद मदरबोर्ड बना, फिर मशीन बनी। अब ये मशीन जो है क्या ये एक दूसरे से बात करती हैं या इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या ये इंडिविजुअल मशीन होती हैं, कैसी हैं हमारी मशीनें? देखिए, हमारी मशीन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है और क्यों ये टेम्परेबल नहीं है, वो नेचर है स्टैंड अलोन। आपने अभी देखा ये स्टैंड अलोन इसलिए है कि हर मशीन जो है किसी भी प्लग से, किसी भी केबल के द्वारा, किसी इंटरनेट से या किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है, तो ये स्टैंड अलोन है। और स्टैंड अलोन होने के कारण इनमें हैकिंग का प्रश्न नहीं है। हैकिंग तो जनरली अप्लाई करता है इंटरनेट कनेक्शन होने पर, ना नेटवर्क मशीन्स हो जिनमें इंटरनेट आता हो, वाईफाई से या फिर वायर से कनेक्टेड इंटरनेट, तो हैकिंग का तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। और टेम्परिंग के बारे में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से हमारे टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड की वजह से टेम्परिंग इज रूल्ड आउट। तो ये जो चैलेंज है, इसमें आपने टेम्परिंग का क्या डेफिनेशन दिया है? इस चैलेंज में किसको आप टेम्परिंग मानोगे? देखिए, टेम्परिंग का पहला तो ये आधार है कि जो हमारा प्रोग्राम चिप के ऊपर लिखा हुआ है उसमें कोई अल्टरेशन करे। और हमारा तो ये कमिटमेंट है कि हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ना इसे आप पढ़ सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना इस पर कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो एक तो हमारा टेम्परिंग की डेफिनेशन में ये है कि जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इस चिप के ऊपर वो बदला हुआ है, जैसे उनका आरोप है कि इन पांचों इलेक्शंस में इनका जो है प्रोग्राम रिजल्ट बदलने के लिए किया गया है। दूसरा ये है कि टेम्परिंग की डेफिनेशन में ये आता है कि आपने कोई उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स डाल दिया है, जिसको मैलवेयर कहते हैं, दूसरा प्रोग्राम डाल दिया है रिजल्ट्स बदलने के लिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो रिज़ल्ट इसके अंदर स्टोर है हमारे मेमोरी में, उसको आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस से बदल दें। और चौथा इसके अंदर जो वो है, वो ट्रोजन हॉर्स से ही रिलेटेड है, मैलवेयर से ही रिलेटेड है, कि आप एक सीक्वेंस की प्रेस को दबाने से उसको एक्टिवेट करें और रिजल्ट्स की जो गिनती है वो बदल जाए। तो इन डेफिनेशंस के तहत हम लोग टेम्परिंग कोड रखे हुए हैं। तो ये चैलेंज जो होगा, इस पे मान लीजिए किसी ने अगर सक्सेसफुली टेम्पर कर दिया तब क्या होगा? नहीं, हमारा देखिए बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हमारी मशीनें टेम्पर्ड नहीं हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी मशीनें अपना परिणाम स्वयं देंगी और जो सही परिणाम होगा। जैनी साहब, एक सवाल उठा था महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेके और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेके, तो क्या आप ये लोकल चुनाव भी देखते हैं, क्या आपकी निगरानी में होते हैं? देखिए, ये प्रश्न फरवरी के महीने से प्रारंभ हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, खासतौर से महाराष्ट्र का। पहली बात तो ये है कि भारत का चुनाव आयोग लोकल बॉडीज़ यानी कि अर्बन और रूरल बॉडीज़ के चुनाव का काम नहीं देखता है, उसके लिए राज्य स्तर पर संविधान के अंतर्गत अलग से संवैधानिक संस्थाएँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बने हुए हैं। तो एक तो ये बिल्कुल साफ बात है। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में गड़बड़ियों की शिकायत आई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, और ख़ास तौर से दो प्रकार की शिकायत थी। एक तो कहीं पर शिकायत की गई थी
कि जो कैंडिडेट है उसको जीरो वोट मिले जबकि उसने अपना वोट स्वयं डाला था। इसकी जांच कराई गई, जांच में ये तथ्य हमारे वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की मशीनरी के द्वारा पूर्णतया गलत पाए गए। वहाँ के जिस कैंडिडेट की शिकायत थी, एक तो उसने प्रार्थना पत्र में ये शिकायत ही नहीं लिखी थी, दूसरा ये कि उसको जहाँ पे वो दर्ज है वहाँ पे उसका वोट मिला है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। एक ये आरोप लगा था कि वहाँ पे जो वोट डाले गए या जो वोट मशीन दिखा रही है उनमें बड़ा फ़र्क है, मशीन ज़्यादा वोट दिखा रही है बनिस्बत के जो वोट डाले गए, उसकी भी जाँच कराई गई, उसमें भी वो फैक्ट बिल्कुल गलत पाए गए हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रांति उत्पन्न हुई कि ये मशीनें चुनाव आयोग की मशीनें हैं, इनमें गड़बड़ हुई है तो चुनाव आयोग की मशीनों में भी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन ये तथ्य पूरी तरह गलत हैं और हमारे पास राज्य चुनाव आयोग की भी रिपोर्ट है। माने कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में जो वोटिंग मशीन्स थी वो भी सही थी और वहाँ का जो वोटिंग प्रोसीजर है, दैट वोटिंग प्रोसीजर comes under the state election commission. Yes. So what are the elections which come under your jurisdiction? No, our jurisdiction extend one to the elections to the office of the president and vice president, election to both houses of the parliament and election to both houses of the state assemblies wherever there are bicameral system. ये challenge करीब आ रहा है, आपकी नींद तो नहीं उड़ रही है कहीं? नहीं, हम चैलेंज की पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक्चुअली मैं आयोग में हम लोग इसको बड़े युद्ध स्तर की तैयारी के तौर पर कर रहे हैं। युद्ध स्तर में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम हर चीज़ के ऊपर अपनी निगाह रखे हुए हैं, इस पूरी चैलेंज की तैयारी के बारे में, इस पूरे चैलेंज के परसेप्शन के बारे में, इस पूरे चैलेंज के मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आने वाली हैं उनके पूरे कंडक्ट करने के बारे में। बल्कि कुछ जगह से ऐसा फीडबैक भी है कि वो लोग इस अवसर का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इस पूरी प्रक्रिया से अवेयर कराना चाहते हैं, फेमिलराइज कराना चाहते हैं, तो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे आयोग में इसको लेकर के एक युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है। रोज़ाना हम लोग शाम को मिलते हैं, रिव्यू करते हैं दिन भर में क्या हो रहा है। तो इट्स ए मेजर वर्क, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माय स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज आई एम सो श्योर अबाउट इट, बट वी हैव टू प्रिपेयर लाइक वी प्रिपेयर फॉर एनी फंक्शन। ड्यूरिंग द चैलेंज विल पीपल बी एबल टू इंस्पेक्ट द मशीन एंड विल दे बी एबल टू चेंज द हार्डवेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स व्हिच दे हैंड कैरी और ब्रिंग इनटू द इलेक्शन कमीशन? सी, अंडर अवर प्रपोज चैलेंज फ्रेमवर्क we have permitted the visual inspection of the electronic voting machines, और उसके पीछे एक reason है। जो हमारा challenge statement one है उसमें हमारी electronic voting machines उसी अवस्था में आ रही हैं जिसमें वो हमारे strong room में बंद हैं, और उसमें उसी अवस्था में उनको tampering करना है, तो उसमें तो प्रश्न नहीं है कि वो उसको खोलें और देखें। माने उसमें सील लगी हुई है, उसको खोलना, इंस्पेक्ट करना मदरबोर्ड को पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड में है। बिल्कुल। हाँ, दूसरा ये है कि जो हमारा चैलेंज स्टेटमेंट दूसरा है उसमें नया पोल वो मशीन के ऊपर कंडक्ट करेंगे, और चूंकि मशीन की फर्स्ट लेवल चेक की जाती है उसमें हमारी मशीन को खोल करके भी हमारे लोग देखते हैं, इसलिए उनको मशीन खोल करके विजुअल इंस्पेक्शन करना का उसमें हमने फ्रेमवर्क में रखा है, लेकिन ये शर्त रखी है कि वो हमारी मशीन के हार्डवेयर या उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था में तो ये कल्पना ही नहीं है। तो मतलब वो आके बटन दबा सकते हैं उसके वाईफाई से या ब्लूटूथ से टैम्पर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें कि मैं मशीन घर ले जाऊं और उसका मदरबोर्ड बदल के ले आऊँ तो वो आप परमिट करोगे? नहीं, देखिए हमारा मानना बिल्कुल स्पष्ट है, एक तो हम परमिट नहीं करेंगे। अगर हम हमारी मशीन का मदरबोर्ड बदल दिया तो वो हमारी मशीन नहीं रह गई, वो तो एक बिल्कुल नई मशीन हो गई, और उस नई मशीन का जिसका मदरबोर्ड बदल दिया है उसका सही रिजल्ट देने का तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। हम तो अपनी मशीन के सही रिजल्ट की गारंटी लेते हैं। सो ये थे जैदी साहब हमको बताते हुए कि वो उनकी नींद नहीं उड़ रही है इस चैलेंज से, वो काफ़ी श्योर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इलेक्शन कमीशन की हैं उनको टैम्पर करना नामुमकिन है। मिस्टर जैदी इज़
convinced that the electronic voting machines of the Election Commission of India are tamper-proof, and he is not spending sleepless nights with the challengers hoping to come and take up the challenge to tamper the machines. It is a delight speaking to you. Thank you very much. Thank you. What a delight speaking to you. Thank you.